और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ और रिजल्ट के साथ में हमारे पास में हमारे अजय भाई, अजय नाम है आपका? जी, ये अजय भाई हैं, इनके प्लेटलेट्स काउंट जो है 1,00,000 हो रही है। क्या नाम है आपका? बिक्की भाई हैं और इनको डाइजेशन से रिलेटेड। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद जिशान और आज मैं आपको हमारे यहाँ जो यूनानी इलाज होते हैं उसमें से एक कामयाब और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ और रिजल्ट के साथ में हमारे पास में हमारे अजय भाई, अजय नाम है आपका? जी, ये अजय भाई हैं, इनके प्लेटलेट्स काउंट जो है 1,00,000 हो रही है। काफ़ी परेशानी थी इनको, वीकनेस थी और हमारे यहाँ यूनानी दवाएं इनको इस्तेमाल कराई गई सिर्फ 20 दिन। किस दिन इस्तेमाल किया आपने? जी, और रिजल्ट आप इनसे खुद पूछिएगा, देखिएगा क्या फ़ायदा हुआ। क्या परेशानी थी आप पहले ये बताएं? मुझे परेशानी ये थी, एक्चुअली तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी और फीवर टाइफाइड तो पहले था लेकिन वो ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने एलोपैथिक में बहुत सारी दवाएं ली थी। मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ, काफ़ी समय से हूँ, अप्रोक्स 10 ईयर हो गए मुझे, और मैंने काफ़ी जगह एलोपैथिक दवाएं ली थी अच्छी अच्छी। उसके बाद मुझे कोई आराम नहीं होता था। 19 से 20 जब मैं यहाँ आया, डॉक्टर जीशान से मिला, उनको मैं ऑलरेडी जानता था पहले से, तो उन्होंने मुझे जब दवा दी तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि 1 हफ्ते में ही रिलीफ हो जाएगा। जो जैसा इन्होंने कहा था वैसा ही हुआ था एक्चुअल, और मैंने 20 दिन दवा खाई, 20 दिन में एकदम कंफर्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। आप किसी भी तरह की कमजोरी वगैरह जैसे कमजोरी कोई दिक्कत नहीं है, अब हेडेक रहता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनको प्लेटलेट्स काउंट, जबकि आजकल जो डेंगू फीवर जो चलता है उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, जिसे लोग प्लेटे कहते रहते हैं अक्सर, वो प्लेटलेट्स काउंट होता है। तो उस जब वो कम हो जाते हैं तो उसका इलाज बहुत मुश्किल था। अक्सर लोग खूब बोतल वगैरह और इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे मैंने, जबकि इसका कोई खास इस तरह से इलाज है नहीं। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इलाज है नहीं बोतल वगैरह से। यूनानी पैथी में इसका बड़ा अच्छा इलाज है और रिजल्ट आपके सामने है। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इनको कौन कौन सी मेडिसिन हमने इस्तेमाल कराई थी और उसकी वजह से रिजल्ट जो है 100% रिजल्ट मिला। 20 दिन के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी यूनानी मेडिसिन हमने और कैसे इस्तेमाल कराई और हमने प्लेटलेट्स काउंट को कम्प्लीट कर लिया। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं जो हमने इनको यूनानी दवाएं दी थी उनके नाम और उनकी डोज के बारे में, कि अगर आपके भी प्लेटलेट्स काउंट कम है या प्लेटलेट्स कम है आपके, तो आप भी इन दवाओं का सहारा लेके या इन दवाओं का इस्तेमाल करके अपने प्लेटलेट्स काउंट को नॉर्मल कर सकते हैं। जो हमने दवाएं दी थी अभी आपने जो वीडियो में देखा, उनके उन दवाओं के नाम आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जवारिश अनारन हमने रात को 1 चम्मच इस्तेमाल करा। जवारिश अनारन, अनार के बारे में सभी जानते हैं, लोग खून की तादाद को बढ़ाता है, तो ये इसीलिए खास तौर से काम करती है और खून की मिकदार को बढ़ाती है, उसमें प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं और साथ में हाजमे को भी दुरुस्त करने का काम करती है, हाजमा बेहतर करती है, ताकि खाना अच्छे से खाएंगे आप, भूख लगेगी, खाना खाएंगे और आपका लीवर को भी मजबूत करती है। तो ये सारी चीज़ें खून की पैदावार को बढ़ाती हैं। ठीक है, हमने जवारिश अनारन का इस्तेमाल कराया रात को 10 ग्राम या 1 चम्मच भी कह सकते हैं, या 10 ग्राम 24 घंटे में एक बार, खाना खाने के फौरन बाद ली जाती है जवारिश। ठीक है, अगली जो मेडिसिन हमने इस्तेमाल कराई वो थी माजून दवीदुल वर्त। ये देखिए आप, माजून दवीदुल वर्त, इसको हमने 10 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद लिया, गर्म पानी से लेना होता है इसको। हमने सुबह 10 ग्राम नाश्ते के बाद गर्म पानी से इस्तेमाल कराया। ये जो डोज बता रहा हूँ एडल्ट में होती है, 15 साल से ऊपर के लोगों को ये डोज दी जाती है। अगर कम उम्र के हैं या बच्चे हैं तो डोज उसकी कम कर देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये दो दवाएं हमने इस्तेमाल की, इसके अलावा एक मेडिसिन और भी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देख करके पहले फ़ायदा उठा लें और दोस्तों अपडेट भी मिलती रहेगी, इससे आपका ये भी फायदा रहेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी इस तरह की बीमारी का इलाज घर बैठे कराना है या क्लिनिक आकर के कराना है, तो हमारे क्लिनिक का एड्रेस मैं आपको बता दूं, गरीब नवाज यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काजियान, बहेड़ी, बरेली से। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से भी होंगे और अगर आप लगता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए आप घर बैठे इलाज कराना चाहते हैं, दूर होने की वजह से नहीं आना चाहते, तो हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। व्हाट्सएप पर आपको नंबर दिख रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, आप घर बैठे इलाज करा सकते हैं। वहां आपकी थोड़ी फीस जरूर लगेगी लेकिन आप इलाज करा सकते हैं। तीसरी जो मेडिसिन है वो दी थी हमने, इसमें
हब्बे मरवरी। देखिए ये ऐसा पहली बार नहीं है कि पहली बार में प्लेटलेट्स काउंट बन गया और मैं आपको वीडियो बना दिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ लगातार इस चीज का इलाज किया जाता है। जब दूसरी पैथी से लोग परेशान होकर आ जाते हैं कि हमारा प्लेटलेट्स काउंट जो है बढ़ नहीं रहा है, तरह तरह की परेशानी आ रही है, तब यूनानी में हमें इन दवाओं से हमेशा से बेहतर रिजल्ट मिला है और आज भी वैसा रिजल्ट मिला। और आप जैसे कि जानते हैं मैं रिजल्ट आने के बाद आपको वीडियो देता हूँ बना करके, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको वीडियो दिखाया। तो तीसरी मेडिसिन है हब्बे मरवरी, एक एक टैबलेट हमने इसको सुबह शाम इस्तेमाल कराया। जनरल वीकनेस को दूर करती है, पुराने बुखारों को, कमजोरी को दूर करती है, क्योंकि जो डेंगू फीवर होता है उसमें भी बुखार आता है, तो उसको भी खत्म करेगी, कमजोरी दूर करेगी, लीवर को मजबूत करेगी। तो इस तरह से जब ये काम करेगी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर लीवर को मजबूत करके ब्लड की तादाद को बढ़ाती है या प्लेटलेट्स को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, उससे हम जो प्लेटलेट्स की कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। एक एक टैबलेट, ये दवाएं आप कम से कम 20 दिन लगातार इस्तेमाल कराएं। अगर आपके 1 लाख के तकरीबन प्लेटलेट्स हैं और आपको 1.5 लाख प्लस करनी है, अगर और कम है तो आप थोड़े दिन इनको लगातार और ले लें। ये कमजोरी को दूर करके आपके खून के मिकदार को बढ़ा देंगे, या जिन लोगों में खून की कमी होती है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खून की तादाद को ही बढ़ा देंगे। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान और हमारे साथ हैं ये, क्या नाम है आपका? बिक्की भाई हैं, और इनको डाइजेशन से रिलेटेड परेशानी थी जो कि काफ़ी लंबे अरसे से, मास्क लगाने जी, काफ़ी लंबे समय से इनको परेशानी थी। और ये खुद ही बताएंगे क्या क्या परेशानी थी, और मिजाज के हिसाब से हमने डायग्नोस किया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20-25 दिन के अंदर काफ़ी रिलीफ है इनको, काफ़ी नहीं बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आप ये खुद ही बताएंगे क्या क्या परेशानी थी और इन्होंने क्या इलाज कराया और ये कहाँ से आए हैं, सारे इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है पहले आपका? नाम सर, मेरा नाम विक्की है। अच्छा, क्या क्या परेशानी थी आपको? सर पेट से रिलेटेड मुझे हर तरह की प्रॉब्लम थी, पेट ठीक ना रहना, गैस, दर्द, हर तरह की प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर मैंने सर को यूट्यूब पे देखा, जानकारी ली, इनसे मिला, मैं आज इनकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, ये समझिए 25 दिन में। क्या परेशानी होती थी? लैट्रिन ज्यादा जी सर, लैट्रिन ज्यादा आना, फिर पेट ठीक ना रहना, गैस, दर्द, पेट की जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती सब रहती थी मुझे, बट अब मैं बिल्कुल 70-80% बिल्कुल ठीक हूँ, समझिए बिल्कुल अच्छे से। कितने दिन से थी ये परेशानी? सर ये तो शायद 10-11 साल से ज्यादा हो गया मुझे इस चीज को। कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया आपने इस दौरान? ट्रीटमेंट वगैरह बहुत लिया बट लगी नहीं पाया मुझे। अच्छा जी जी, बट सर की जो भी दवाई सर ने जो बताया, जैसा बताया वैसा लिया मैंने, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जिस तरह से हमने डायग्नोस किया मिजाज का जो बताया जी सर, जी सर, कहीं ऐसा इस तरह से आपका इलाज हुआ? किसी ने कहा कि आपका मिजाज गर्म है, ठंडा है, उसके हिसाब से इलाज कर? नहीं सर, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया आज तक, जब भी 10-12 साल हो गए मुझे दवाई देते, आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन सर से मैं मिला, सर ने मुझे बताया तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको बता दूं कि हमने इनकी नब्ज देख के बताया इनको कि इनका मिजाज जो है वो सफरावी है, और उसकी वजह से इनको जो भी परेशानियां आती हैं उन परेशानियों का इलाज जो है किसी भी तरह से गर्म दवा से नहीं हो सकता। और इससे पहले इन्होंने जो भी दवाएं इस्तेमाल की है, एलोपैथी या किसी भी तरह की, तो वो अक्सर गर्म हुआ करते थे जो इनको और नुकसान कर दे। देखिए मैंने इनको ये दवाएं दी हैं, अभी मैं इनके नाम बताऊंगा आपको, और ऐसी दवाएं जो काते सफरा होती हैं, यानी कि येलो बाइल को रोकती हैं, बढ़ने से रोकती हैं और उसको कम करती हैं। जब इस तरह की दवाएं दी तो इनको फौरन रिलीफ मिलना शुरू हो गया। इनका खुद जबानी कहना है कि आज तक मैंने ऐसी दवा कहीं इस्तेमाल नहीं की कि इतनी जल्दी रिलीफ भी मिला और मैं बिल्कुल ठीक होता चला गया। तो अभी मैं कुछ दवाएं बताऊंगा। ये देखिए मेरे पास में थोड़ा माइक की प्रॉब्लम है, शरबत दीनार है, सफूफ मुसक्किन दिया, माजून दविदुलवर्द है, और भी ये कुछ हमारी बनाई हुई दवाएं हैं। इस तरह से हमने इनको कंप्लीट एक नुस्खा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मेरा मानना यह है कि अगर हम मिजाज के हिसाब से इलाज करें, तरीके से मर्ज को डायग्नोस करें, तो हम यूनानी में हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ होता भी है, हर बीमारी का इलाज होता है हमारे यहाँ। और जैसे कि आप देखते भी हैं वीडियो में, मैं अलग अलग दिखाता भी रहता हूँ आपको, इस तरह के एक्सपेरिमेंट बताता रहता हूँ उन लोगों के लिए जो यूनानी प्रैक्टिस करते हैं और जो यूनानी से दिलचस्पी रखते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिसका इलाज, उनका इलाज जो है दूसरी पैथी में आसानी से नहीं हो पाता है, वो लोग यूनानी इलाज कराएं, विश्वास के साथ कराएं। बेहतर है कि अच्छे से अच्छे यूनानी फिजिशियन को दिखाएं जो नब्ज़ देख के मर्ज को पहचाने
और मिजाज के अकॉर्डिंग इलाज करें। अगर ऐसा करते हैं, अगर मिजाज के हिसाब से इलाज करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। किसी भी लाइलाज बीमारी का इलाज भी यूनानी के पैथी के अंदर बहुत शानदार है। इसी तरह से हम आपको बीच बीच में तजुर्बे शेयर करते रहते हैं, आप लोग भी फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और इस किसी भी तरह की अगर बीमारी है आपको तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। ऑनलाइन घर बैठे भी इलाज करा सकते हैं, दवाएं खरीद भी सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ मौजूद है। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।